नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूपी पीसीएस 2017 फास्टेस्ट रिवीजन पीसीएस में 2016 का पेपर। इसका भाग टू है और भाग वन हम डिस्कस कर चुके हैं। आइए देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। अशोक के द्वितीय प्रमुख शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है। इसमें पूछा गया था कि अशोक के किस शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है, तो इसका उत्तर होगा द्वितीय प्रमुख शिलालेख में। महाछत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में अशोक का अभिलेख भी पाया गया है। इसमें पूछा गया था कि किस अभिलेख में अशोक का अभिलेख भी पाया गया है, तो महाछत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। हूण शासक मेहरपुल को यशोधर्मन ने पराजित किया था। इसमें यह था कि हूण शासक मेहरपुल को किसने पराजित किया था, तो यशोधर्मन ने पराजित किया था। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। बहमनी राज्य स्थापित हुआ था 14वीं सदी ईस्वी में। सल्तनत शासकों में लोधी शासक अफगान मूल के थे। राजेंद्र प्रथम को चोलगंगम नामक झील पर मरने का श्रेय दिया जाता है। राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी के सफल अभियान के बाद गंगईकोंड की उपाधि धारण की थी। उसने गंगईकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी का भी निर्माण किया था। ये क्वेश्चन पेपर में नहीं था, ये अपनी तरफ से मैंने जोड़ा है क्योंकि इम्पोर्टेंट है। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। सल्तनत के सुल्तानों में इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी। इसके पहले राजधानी लाहौर थी, उसने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए लॉर्ड वेलेजली ने प्रशासन में सहायक संधि का सूत्रपात किया था। और इसमें ये क्वेश्चन पेपर में नहीं था लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने भारत में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया। अंग्रेजों ने प्रथम सहायक संधि अवध के साथ 1765 ईस्वी में की थी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने जोड़ दिए, पेपर में नहीं थे। 22 अक्टूबर 1764, आप लोगों को पता ही होगा, ये बक्सर का युद्ध हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। बंगाल का नवाब मीर जाफर था। 1892 के अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष या अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी। तो ये सेकेंड पार्ट रहा, जल्दी से जल्दी आपका थर्ड पार्ट आ जाएगा।